जसपुर में सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल की समस्याओं से अवगत कराया, जिसका उन्होंने जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया है। वहीं निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और 450 मरीज प्रतिदिन यहां आते हैं तो मरीजों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही जो भी डॉक्टर की कमी है उसे इसी साल में सरकार पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार 265 जाँचें फ्री की जाएंगी। अभी प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 24% के तकरीबन है, तो शिशु मृत्यु दर को 1 डिजिट में लाना है और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं कार्यक्रम में जा रहा था, मैं आज अचानक हॉस्पिटल इसलिए आया कि मुझे लगा कि भाई हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है वो जो है धरातल पे हो रही कि नहीं हो रही। और हमारे जसपुर के माननीय विधायक जी भी मेरे साथ में, हमारे सीओ भी हमारे साथ में। जसपुर के लिए एक तो सरकार डॉक्टरों के लिए आवास देगी, जितने भी आवास चाहिए यहाँ। एक यहाँ पे चूँकि लगभग 450 मरीज पर डे आते हैं, तो मरीजों के लिए अच्छी सी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। तीसरा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो भी कमी है, एनेस्थीसिया से लेके और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, वो भी हम इसी साल में उस कमी को पूरा करने जा रहे हैं। बाकी दवाइयों की भी कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स की भी। अब लगभग 350 डॉक्टर हमको मार्च के महीने में मिल जाएंगे, जो कि हम सभी हॉस्पिटलों में भेजने जा रहे हैं। इस बार हमने ये भी किया है कि 265 जाँचें फ्री में हो रही। साथ में ये भी हमने किया है कि संस्थागत डिलीवरी 100% करनी है।